नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में जानेंगे कि ये जो 2024 नवंबर का जो महीना है वो आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और कैसे रहने वाले हैं आपके आने वाले दिन, यानी नवंबर महीने के जो दिन हैं आपके कैसे कटेंगे, क्या कुछ रहने वाला है नवंबर के महीने में, आपको कौन सा आशीर्वाद, कौन सी कृपा मिलने वाली है ईश्वर की तरफ से, आपके जीवन में नवंबर के महीने में क्या बदलाव आएंगे, क्या यहाँ पर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं नवंबर के महीने में। तो यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन वन मैंने रखा है यहाँ पर द लवर का कार्ड, यानी कि राधा कृष्ण जी की एनर्जी को। यदि आपको ऑप्शन वन अच्छा लग रहा है तो आप इसको चुनें, यदि आपको ऑप्शन टू ज़्यादा अच्छा लग रहा है यानी कि द स्टार का कार्ड, ब्रह्मा जी का कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इसे चुन सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऑप्शन वन या ऑप्शन टू, आप इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड को चुनें और मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपका नवंबर का महीना कैसा बीतने वाला है, क्या कुछ आपको मिलने वाला है, क्या उपहार मिलेंगे, क्या समाधान मिलेंगे और क्या संकेत मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर बने रहिए शिव की दासी के साथ। यहाँ पर जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हर हर महादेव लिखकर शिव जी के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो शुरू करेंगे ऑप्शन वन के साथ इस रीडिंग को। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर वन, यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन वन चुना है उन लोगों के जीवन में नवंबर का महीना क्या कुछ रंग दिखाने वाला है तो जानते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर द स्टार यानी कि ऑप्शन टू की ऑप्शन वन के बाद मैं यहाँ पर रीडिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें अपने अच्छे भाग्य, अच्छी किस्मत और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन वन के लिए यहाँ पर कार्ड निकाल लेती हूँ। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन वन, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें ऑप्शन वन के लिए। हर हर महादेव। नाइन ऑफ पेंटकल्स, जानेंगे क्या कुछ रंग बिरंगे दिन आपके जीवन में आने वाले हैं, क्या रंग दिखाने वाली है आपकी ज़िंदगी नवंबर के महीने में। एक कार्ड यहाँ से उछल के गिर गया है, मैं इसे ले लेती हूँ और ये आ गया टेन ऑफ पेंटकल्स की एनर्जी के साथ। यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, देखते हैं यहाँ पर आगे क्या संकेत हैं। मैं यहाँ पर पूरे कार्ड्स ओपन करने के बाद ही रीडिंग करना यहाँ पर चाह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंड सेट के साथ आपको देखनी है। हर हर महादेव। ये कार्ड आ गया अपने आप। देखो सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा आपको कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है जिससे आपका पूरा परिवार जो है वो एकत्रित होगा, एक स्थान पर एकत्रित होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई उत्सव, कोई समारोह मुझे होता नज़र आ रहा है यहाँ पर, और आप कुछ उम्मीद भी लगाते नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन आप लोगों के लिए क्या कहती है आपकी आने वाली टाइम की एनर्जी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होना चाह रहे थे लेकिन आत्मनिर्भरता आपको नहीं मिलती नज़र आ रही है। आपके प्रयास जो हैं वो खाली होते नज़र आ रहे हैं, अवकाश नहीं मिल रहा है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर समय नहीं मिल पा रहा है। स्वतंत्रता चाहते हैं वो भी यहाँ पर आप अवकाश, स्वतंत्रता की यहाँ पर जो है एक अनुभूति जो होती है वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर स्थिरता भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपका दिमाग जो है आप ये कर लूँ ये कर लूँ, कभी कभी आपका दिमाग जो है सोचता है कि मैं यहाँ पर पूरब की तरफ चलूँ और कभी कभी पश्चिम की तरफ चलने को कहते हैं, यानी कि विचार जो है वो स्थिरता की तरफ नहीं है, विचारों में स्थिरता मुझे नज़र नहीं आ रही है। यानी यहाँ पर अपने जीवन में शानदार प्रदर्शन करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? आप 100% सोचते हैं उसके बाद भी आपके काम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आत्मनिर्भरता नहीं है, प्रयास जो है वो सफल नहीं हो रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा अपने लिए कुछ करने का। यहाँ पर आत्मअनुशासन जो होता है ना वो यहाँ पर बिगड़ता नज़र आ रहा है। यानी आप रोज़ सोचते हो कि मैं यहाँ पर इतने बजे उठकर ये करूँगा लेकिन फिर भी सुबह होते ही पूरा दिन यहाँ पर आपका तुरंत से तुरंत छुटपुट तरीके से ख़त्म हो जाता है और आप सोचते रह जाते हो कि अब ये काम कल से करेंगे, कल करते हुए आपका समय जो है वो बर्बाद होता मुझे नज़र आ रहा है। सफलता का समय जो है नज़दीक आ जाए और दिन जो है वो आपके हाथों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है।
मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से साफ साफ देख पा रही हूँ। देखो एक चीज़ आप हमेशा के लिए सोच लें इस बात को कि लंबे समय के लिए समृद्धि तभी आती है जब हम पूरा प्रयास करते हैं, योजनाबद्ध कार्य, कठिन परिश्रम करते हैं और बड़ी सोच रखते हैं, धैर्य बनाना पड़ता है। यानी कि जब आपको ऊंची छलांग मारनी है तो यहाँ पर आपको अपने कदम कुछ पीछे लेकर, यानी जब आपने भी देखा होगा जो ऊंची कूद लंबी कूद रखते हैं तो वो अपने कदम पीछे लेकर आते हैं और दूर से दौड़ते हुए आते हैं। यानी दूर की सोचनी चाहिए आपको। यानी आपको जब मैंने पहले भी अपनी रीडिंग्स में बताया है यहाँ पर आपको कोई चीज़ यहाँ पर 100% चाहिए तो आप सोचें कि आप 110% काम करेंगे। यानी कि अपनी सोच से ऊंची सोच विचारधारा रखकर आपको काम करना है। और देख लेती हूँ मैं यहाँ से, हर हर महादेव, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन वन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हर हर महादेव, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा थी यहाँ पर। देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर कप्स की एनर्जी आ रही है। कुछ एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में आते नजर आ रहे हैं। यानी कि आप अब अपने कामों को एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में आते नजर आ रहे हैं मुझे। हर हर महादेव, पैसा कमाने की चाह आपके जीवन में बढ़ती नजर आ रही है और कब्ज की एनर्जी यानी कि आपके जो प्रयास हैं वो सफल होते अब नजर आ रहे हैं। किसी सहायता, कोई ना कोई सहायता आपको अवश्य मिलेगी जिससे आप अपने उद्देश्य को भली भांति साफ साफ देख पाएंगे और आपको क्या करना है अनुशासन ढाल पाएंगे अपने जीवन में। ये सब कब्ज की एनर्जी भी आती है यहाँ पर। मैं देख पा रही हूँ कि कोई महिला है जो आपके साथ वफादारी करती नजर आ रही है यहाँ पर, आपका साथ देती मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। आप अपने आप को भी समझ रहे हो और दूसरों को भी समझते यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है अच्छे विचार आ रहे हैं दूसरों के प्रति यहाँ पर, ना तो अपना काम बिगाड़ना चाहते हैं और ना ही दूसरों का काम बिगड़ते हुए देख पाएंगे यहाँ पर आप। इस प्रकार की एनर्जी आपके लिए आ रही है। और देख लेते हैं यहाँ से, हर हर महादेव, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन वन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हर हर महादेव, टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी कहती है अब आप रुकना नहीं चाहते, रुकावट आपकी सोच ऐसी बन गई है कि आई हेट टू वेट की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर, कि आप रुकना नहीं चाहते हैं। अब आपको नफरत सी हो गई, रुकावट आई तो आपको यहाँ पर आपका मूड जो है थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब होता मुझे नज़र आ रहा है। आपको रुकावटें जो है पसंद नहीं आ रही हैं। और देख लेते हैं यहाँ से, हर हर महादेव, टेन ऑफ कप्स, और यहाँ पर अपने उद्देश्य की जो भी प्राप्ति आप कर रहे हो उसमें कोई भी बंधन, कोई भी चीज़ आपको अगर यहाँ पर परेशान कर रही तो उसको आप यहाँ पर कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि घर में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ रही, क्योंकि घर का काम छूट रहा है, आपके पास काम है और आपका मन कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कह रहा है और आप करना कुछ चाहते हो और लोग आपसे कुछ और उम्मीद लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपना काम कैसे करूँ। तो यहाँ पर आप लोगों से, अपने परिवार वालों से ही यहाँ पर काम के लिए मना करेंगे और जब काम के लिए मना करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मन में कड़वाहट होती मुझे नज़र आ रही है। परिवार में थोड़ा सा यहाँ पर झगड़ा वगैरह मैं देख रही हूँ, यानी झगड़ा तो नहीं, यानी कि ये काम तुम नहीं कर रहे हो, इस काम को स्किप कर रहे हो और आप अपने काम को महत्व देना चाहते हैं और आप अपने काम को महत्व दे रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने काम को महत्व देते मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ डेथ का कार्ड आया तो साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो परिश्रम कर रहे हैं, जो भी आपने उम्मीद लगाई है अपने जीवन से, नवंबर के महीने में आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते मुझे नज़र आ रहे हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए ईश्वर की तरफ से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, द एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि शिवजी का आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पर, द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। यदि आप ईमानदारी, धैर्य, साहस बनाकर ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि आप अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो और ईश्वर आपको एक ऐसा जो
एक ऐसा नियंत्रण करते नजर आ रहे हैं, यानी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं और एक समाज में एक अच्छी छवि बनाते मुझे नज़र आ रहे हो। कोई ना कोई आपको यहाँ पर विशेष काम भी मिलता मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर परिवार में भी कोई गुड न्यूज़ आती नज़र आ रही है, जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव मुझे नवंबर के महीने में आते हुए दिख रहे हैं। तो जय जय महाकाल बाबा, हर हर महादेव। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब हम जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए नवंबर का महीना क्या कुछ रंग क्या कुछ संकेत लेकर आ रहा है। हर हर महादेव ऑप्शन टू यानी कि ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर देखेंगे नवंबर का महीना क्या प्रभाव क्या बदलाव लेकर आएगा इनके जीवन में। यहाँ पर प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कृपया ऑप्शन 2। जिन लोगों ने भी चुना है ईश्वर से अपने अच्छे स्वास्थ्य अच्छे भाग्य की कामना करें और साथ ही साथ लाइक कर दें शेयर करें और यहाँ पर हर हर महादेव लिखकर शिव जी के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए देखेंगे हर हर महादेव। मैं पहले सारे कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। क्या कुछ रहने वाला है आपकी लाइफ में। सबसे पहली बात तो मैं देख रही हूँ कि हाल फिलहाल अभी कुछ दिन पहले कोई ऐसा अवसर आपकी लाइफ में आया होगा। अब आप पछताते नज़र आ रहे हो कि शायद मैं उस अवसर को एक्सेप्ट कर लेता स्वीकार कर लेता। यहाँ पर कुछ बना बनाया काम जो है बिगड़ता मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको दुखी नहीं होना है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। जो एक अवसर आया था और आप परेशान हो रहे थे कि पता नहीं ये अवसर मैंने छोड़ दिया है आगे क्या होगा, क्या कुछ अच्छा समय आपके जीवन में आएगा। बिल्कुल यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपने एक अवसर को छोड़ा है, तो यहाँ पर आपका जो समय है मुझे अच्छा होता नज़र आ रहा है। आपकी तरफ जो है अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब आप आगे टाइम में ऐसा ये करूँ बहुत सारी प्लानिंग्स आपके माइंड में आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने वाली हैं और एक अच्छा समय आता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर और देख लेते हैं यहाँ से हर हर महादेव नवंबर का महीना क्या कुछ गाइडेंस क्या कुछ संकेत क्या कुछ कृपा दृष्टि ईश्वर की तरफ से लेकर आने वाला है हर हर महादेव। ओके 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर कप्स भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी कहती है कि जो स्थिति आपको लग रहा था कि आने वाले टाइम में आपको पतनकारी स्थिति की एक अनुमान आप लगा रहे थे, वो अनुमान जो है वो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपने एक अनुमान लगाया था कि परिस्थिति जो है वो थोड़ी सी प्रतिकूल आने वाली है और कोई ना कोई आपको धोखा देगा, एक सच आपके सामने आएगा, कोई ऐसा सच जो आपको पता नहीं था वो सच आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ पर कोई ना कोई आपको धोखा देगा, आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर आप बचते नज़र आ रहे हो किसी धोखे से किसी षड्यंत्र से जो आपके लिए षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा था। कुछ लोग आपके प्रति आलोचना भरी बातें कर रहे थे, वो यहाँ पर ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। और मैं यहाँ पर बताती हूँ कि अभी क्या और आपके जीवन में आने वाला है, यानी धोखे से बचते नज़र आ रहे हो, षड्यंत्रकारी लोग अपने ही जाल में फंसते नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप परिश्रम कर रहे हो आगे बढ़ रहे हो। जो आपके जीवन में जो आपको ईश्वर की तरफ से जो टास्क दिया गया है उसे आप 100% करते नज़र आ रहे हो और मेहनत कर रहे हो। सबसे अच्छी बात यह कि मेहनत कर रहे हो हर हर महादेव। और जो जीवन जो कठिनाइयाँ आने वाली थी वो कठिनाइयाँ जो यानी कि जो कांटे आपके जीवन में आपकी राह में आ रहे थे वो फूल बनते मुझे नज़र आ रहे हैं हर हर महादेव। और देख लेती हूँ मैं यहाँ से। ओके किंग ऑफ पेंटकल्स की एनर्जी आई है। कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ में आपको धन खर्च होता नज़र आ रहा है, लेकिन आप घबराने वाले नहीं हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। कोई वफादारी कहीं ना कहीं किसी महिला के द्वारा यहाँ पर आपको सहायता मिलती मुझे नज़र आ रही है हर हर महादेव। यहाँ पर वफादारी मिलेगी। आप सोच रहे थे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कोई धोखा मिलेगा, कोई ना कोई आपके प्रति बहुत ही गलत सोच रहा है,
तो यहाँ पर वफादारी मिलती नजर आ रही। लेकिन 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 आप यहाँ पर बहुत सचेत हो, कोई भी गलत कदम आप नहीं उठाना चाहते। यहाँ पर यदि कोई भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको आती तो आप यहाँ से बिल्कुल अपने मन बना चुके हो, अपने विचारों में ऐसा ऐसा सोच चुके हो कि कहीं ना कहीं दिक्कत कोई आएगी तो मैं तो निपट ही लूँगा इस दिक्कत से। तो यहाँ पर और देख लेती हूँ मैं आपके लिए, यहाँ से देख लेती हूँ क्या संकेत आ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। देखो, जो व्यक्ति अपने दुश्मन को छोटा ना समझ के उसकी हर विचार पे, हर एक्शन पर निगाह रखते हैं ना, वो कभी असफल नहीं होते। यानी उन्हें पता होता है कि यहाँ पर कितने ताकतवर इंसान से मुझे यहाँ पर लड़ना है। यानी कि अपने दुश्मन पर आप निगाह डाले हुए और देख रहे हो कि ये अगर यहाँ पर 50% अपने कामों को देने में ऊर्जा खर्च करेगा तो यहाँ पर मैं 100% यहाँ पर देने वाला हूँ, क्योंकि आपका अच्छा समय आता मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ पैसे खर्च होंगे, कुछ पैसा आर्थिक पैसा खर्च होता मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन आप के लिए यहाँ पर ईश्वर के द्वारा कोई ना कोई यहाँ पर सहायता भी मुझे मिलती और दिखती नज़र आ रही है। हर हर महादेव। द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए आए थे, महादेव का कार्ड, और द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। ये जो महिला है ये आपके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं और आप भी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हो। यहाँ पर आप अपने अंतरात्मा की सुनते नज़र आ रहे हो। कोई भी आपसे कुछ भी कहेगा कि देख भैया तेरे को तो पश्चिम की तरफ जाना है, लेकिन आपको मालूम है, आप किसी की सुनोगे सबकी लेकिन करोगे मन की। अपने जीवन में अपना रिमोट किसी के हाथ नहीं देने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के अलावा। यहाँ पर अपनी जो किस्मत है खुद से लिखते मुझे नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर देखो, अगर कोई नकारात्मक सोचता है, यानी कि मैं जंगल में जा रही हूँ और मैंने सोचा कि चलो मैं कहीं शेर ना मिल जाए तो मैं कोई भाला या कोई छुरी चाकू कोई ना कुछ ले लूँ हाथ में, तो इसमें बुराई क्या है, है ना। मैंने सोचा हो सकता है चांसेस ऐसा हो कि रास्ते में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए, तो यहाँ पर आप तैयारी करते नज़र, यानी हर चीज़ को सोच विचार करके नज़र आ रहे हो। थोड़ा सा धन खर्च होता नज़र आ रहा है यहाँ पर, लेकिन आप अपने प्रतिद्वंदियों पर यहाँ पर भारी पड़ते मुझे नज़र आ रहे हो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कह रही है कि आपके जीवन में जो भी महिलाएं हैं वो आपको सहायता अवश्य देती मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपकी जो भी विश है वो यहाँ पर पूरी होती नज़र आ रही है। कुछ जो यहाँ पर कुछ खोया है ना, कुछ खोया है उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलता नज़र आ रहा है। कभी कभी हमारे हाथों से कुछ ऐसी चीज़ निकल जाती है जिसका रोना लेके हम बैठ जाते हैं, लेकिन किस्मत बड़ी ही बहरूपिया है, वो कभी भी पलट जाती है। तो आपको ऐसा सोचना है, और आपके जीवन में एकदम से पलटाव आ रहा है मैं ऐसा देख रही हूँ। और आप नकारात्मक सोच तो रहे हैं, लेकिन कैसा सोच रहे हैं आप, अपने ऊपर काम करके, ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, यानी फाइट करते मुझे नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ फ्रॉड की एनर्जी कहती है कि अपने आपकी जीत के लिए पूरी तैयारी करते मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। नवंबर का महीना एक वॉरियर की तरह, एक साहसी व्यक्ति, एक बहादुर व्यक्ति की तरह लड़ते नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही ऑप्शन 2 की रीडिंग, तो वही वाह। तो यहाँ पर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव लिखकर यहाँ पर अपने कामों को आगे बढ़ाएं। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग, है ना। तो आपको यदि अच्छी लगी हो, कोई भी सहायता आपको मिली हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव लिखें, हर हर महादेव। तो मिलते हैं कल ऐसे ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। तब तक हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।